ये समय है हमारा उत्तर प्रदेश का। लखनऊ में हुए आतंकी एनकाउंटर पर सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस नेता सत्यव्रत ने एनकाउंटर पर ही सवाल उठा दिए हैं। सबसे आगे निकल गए हैं कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी। करेक्शन साबित होने से पहले नहीं होना चाहिए था एनकाउंटर, कहना है सत्यव्रत का। देशभक्त पिता आतंकी बेटे का शव लेने से इनकार कर रहा है। कांग्रेस नेता है कि एनकाउंटर पर ही सवाल उठा रहे हैं, देश आईएस का गढ़ बन गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है इस दौरान कहां थी खुफिया एजेंसी, पीसी चाको ने भी कहा। तो कांग्रेस इस पूरे एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रही है, अलग अलग तरीके की बयानबाजी हो रही है। सत्यव्रत चतुर्वेदी तो हालांकि सबसे आगे निकल गए, उनका कहना था पहले कनेक्शन स्टेब्लिश होता और फिर इसको ढेर किया जाता। पीसी चाको ने कल अपने स्टेटमेंट में कहा था कि जो खुफिया एजेंसीज हैं वो कहां चले गए, उनको किसी तरह का अलर्ट का मामला है, लेकिन अगर सैफुल्ला के मामले में उसका आईएस से कोई लिंक नहीं था तो फिर किस आधार पर ये एनकाउंटर हुआ? ये दुर्भाग्य है, ये पुलिस का मॉरल डाउन दुर्भाग्य है। कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये वक्तव्य दिया, कोई भी एनकाउंटर करे पहले उसकी जांच होनी चाहिए पुलिस को। और मैं तो धन्यवाद दूंगा कि इस सारे चैन में लगभग 6 या 7 स्टेट ने मिलकर के ये सारा उजागर किया है, और आज दुर्भाग्य कांग्रेस की दुर्गति इसी वजह से हुई है। और मैं कहूंगा कि आतंकवाद इस देश में पनपा है, उसके जड़ में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी है, और इसलिए उन्होंने इस तरह की बात कही। आज शायद वो शर्मिंदा हो रहे इस विषय पर, कौन था कि जहां आईएसआई का झंडा मिला है, जहां इतना असला मिला है, तो ये कहना ये पुलिस का काम है, पुलिस करे एजेंसियां करे, उस पर सवाल उठाना ये दुर्भाग्य है कि आज हमारे सैनिकों पे, हमारी पुलिस पर, हमारी फोर्स पे भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जब परिवार वालों को कोई इतराज नहीं है तो फिर किसी को कोई इतराज करने का क्या सवाल उठता? बाकी भी सारी जांचें चल रही हैं, और देश के जहां पे प्रश्न हो वहां पे मैं चाहूंगा राजनीतिकरण ना हो। अगर परिवार वालों को आपत्ति होती तो शायद हम लोग भी उसको कहीं ना कहीं से उस पर आपत्ति करते। पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, सुरक्षा कर्मियों के जो प्रयास है, उन पर उंगली उठाना या संदेह करना ठीक नहीं है। कानपुर रेल हादसे के एक अभियुक्त को बिहार में भी गिरफ्तार करके इंट्रोगेट किया गया था, लेकिन पूरी जानकारी के बगैर अधूरी जानकारी में संगठनों के नाम नहीं लिए जाने चाहिए। और अब मारे गए आतंकी सैफुल्ला के पिता सरताज का वो बयान भी सुनते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो देश का नहीं वो मेरा नहीं, और इस बयान को सुनने के बाद जो राजनीति कर रहे हैं इस मसले पर उनको शर्म भी आ जाए। नहीं, हमको ये इसका इल्म नहीं था पहले, कभी नहीं। हाँ, सिर्फ एक वजह यही है, इसकी एक वजह यही है कि जो आदमी देश हित में काम ना करे तो वो हमारा बेटा नहीं हो सकता। उन्होंने मिला के फोन हमसे कहा कि क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे इनके ये पाए गए हैं और इनका क्या कहते हैं वो चल रहा है मामला, आप समझाइए। हमने यहाँ से पूरा उसको बोलते रहे, भाई सिलेंडर कर दो, ये है वो, जो क्या, ये वो क्या है आप?